नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। और इसके अलावा आज मुझे आपसे गुड मॉर्निंग भी कहना होगा, क्योंकि अभी सुबह का बजे है 7:15 और मैंने उठा लिया है कैमरा। एक्चुअली 2-4 दिन से मैं कि वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे अब जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी है, तो आप सब भी लोग व्यस्त रहने लगे हैं और मैं भी काफ़ी बिजी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब मैं यूट्यूब पर वीडियोज नहीं बना पाऊँगा। तो लेकिन कल रात को अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अगर जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्या ये उनके लिए अच्छा होगा? तो क्या ये मेरे लिए भी अच्छा होगा क्या? क्योंकि जब मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ, आप जब मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसी से ही तो मुझे एनर्जी मिलती है यार। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये सिलसिला जारी रखा जाए और वीडियोज़ बनाई जाए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिंटू। आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह का वक्त है और बरसात भी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए आप। तो यार जैसे ही हमको लगने लगता है कि अब गर्मी बढ़ रही है, उसी वक्त ही मौसम कुछ सुहाना हो जाता है अपने आप ही। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। देखिए थोड़ा सा आप गार्डन का भी नज़ारा लीजिए। ये देखिए आपको ताज़ी ताज़ी लीचियाँ इस पेड़ पर दिखाई दे रही होंगी। तो अब करते हैं एक्सरसाइज और बॉडी को करते हैं थोड़ा स्ट्रेच। तो अब लगाते हैं ताकत का थोड़ा जोर और करते हैं पुशअप स्टार्ट। तो क्या कहते हैं आप, कितने हो पाएंगे? 10, 20, 30 इनफ है? लेट्स सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. चलिए एक क्यावन का सघन हो गया। तो यार एक्सरसाइजेस के बाद वक्त हो गया हमारे जलपान का। उसके लिए आप देख सकते हैं मैं ये ले रहा हूँ आंवला स्वरस। आपको तो मालूम ही है आंवला हमारे पेट के लिए, बालों के लिए, और एक तरह से ये हमारा एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो जितनी क्वांटिटी में आपने ये आंवला स्वरस लिया है, उतनी क्वांटिटी में आपने इसमें वाटर ऐड करना है। और इसके बाद आपको इसको गटक जाना है। तो इसके बाद वक्त होता है हमारा गंगा स्नान का। उसके लिए मैं आप देख सकते हैं मैंने ये गंगा जल लिया हुआ है। इसको मैं अपने नहाने के पानी में मिलाऊंगा और फिर उसके बाद होता है हर हर गंगे। सो देन आई विल मीट यू आफ्टर द बाथ। तो भाई साहब मास्क कहाँ गया आपका? अरे मेरी वीडियो मत बनाओ यार, के मास्क नहीं पहनने का। मास्क तो भाई साहब बहुत जरूरी है आज की डेट में। जी। तो फिर आपको मालूम है कोरोना काल चल रहा है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है आपके लिए भी, हम सबके लिए। तो देखिए भाई साहब को जैसे ही हमने बोला उसी के तुरंत बाद इन्होंने मास्क लगा लिया है। अच्छा किया है, पर देर से किया है। अब हो चुकी है दोपहर, बढ़ गई है गर्मी, तो हम भी अपने आप को करते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश। और उसके लिए हम पीने जा रहे हैं एक ड्रिंक। देखिए आप ये देखिए आप, इसको हम कहते हैं आम पन्ना। ये आपके जो कच्चे आम होते हैं, पहले उनको आप उबाल लेते हैं, उबालने के बाद फिर उसको छील कर उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि चटनी बना लेते हैं। और इसके साथ हमें एक अलग से पानी और चीनी का एक घोल बना के चाशनी बनानी पड़ती है।
फिर उसको आप इकट्ठा स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हो। उसके बाद जब भी आपको ड्रिंक पीना है उसमें से निकालिए, उसमें बर्फ मिलाइए, पानी ऐड कीजिए, चीनी डालिए, नमक मिलाइए, काली मिर्च, जिना भुना हुआ जीरा, जैसे भी आपको अकॉर्डिंग टू टेस्ट कुछ भी आप मिला सकते हैं उसमें, और फिर आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। और ये जो है आपको लू से भी बचाएगा। तो चलिए हम भी इसका लुत्फ लेते हैं। तो यार आप ये देख सकते हैं, ये है मॉस्किटो किल स्मॉक जो आप देख रहे हैं। गाड़ी जा रही है इस गली से निकलते हुए और पूरा स्मॉक गली के अंदर इन्होंने छोड़ दिया है। तो इसकी जो स्मेल है वो एक मिट्टी तेल की तरह होती है। तो इसका मतलब ये एक मिट्टी का तेल होता है जिसको थोड़ा सा सुखा के जला दिया जाता है, जिससे कि ये एक तरह का स्मॉक बन जाता है। और फिर ये इससे मच्छर तो खैर नहीं मरते हैं यार, इससे बल्कि हमारी सेहत के लिए शायद ये नुकसानदायक हो सकता है। काफी धुआं हो चुका है। तो इस वक्त मेरी घड़ी में बज चुके हैं 7:45 और आज सुबह के 7:45 हमने अपनी ये वीडियो स्टार्ट की थी। तो आज शाम को इस वीडियो को भी एंड करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं छत पे आया हूँ आज, क्योंकि आपको पता ही है कि आज सुबह बहुत ही अच्छी बरसात हुई थी जिससे मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया था। तो मैं छत पे आज इसलिए आया था क्योंकि लॉकडाउन में आपको पता ही है कि पॉल्यूशन ना होने की वजह से एनवायरनमेंट हमारा जो बहुत ही ज़्यादा साफ हो चुका है। तो उससे भी 1.5 महीना पहले हमारे शहर के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री के पहाड़ खुली आंखों से देखे जा रहे थे, जिसमें कि यहाँ से सहारनपुर से 220 किलोमीटर की दूरी यमुनोत्री की और 300 किलोमीटर की दूरी हमारे गंगोत्री की है। तो साइंस में ऐसा माना जाता है कि कोई पहाड़ जो आपका 10,000 या 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो तो उसको आप 300 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, अगर बीच में कोई रुकावट ना हो तो। तो जब काफ़ी लंबे एरिया में बहुत ही अच्छी बरसात हो जाती है, सारी डस्ट धूल मिट्टी बैठ जाती है, उसके बाद जब मौसम खिलता है तो वो पहाड़ हम देख सकते हैं। ऐसा इस लॉकडाउन में हमें 2 से 3 बार देखने को मिला है। लेकिन उस वक्त पर मैं YouTube नहीं चला रहा था तो वो वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन उसकी फिर भी कुछ झलकियाँ मेरे पास है जो मैं इस वीडियो में डाल दूँगा और आप भी उसका नज़ारा ले पाएंगे। तो आज भी मैं इसलिए आया था, क्या पता वो नज़ारा एक बार मुझे फिर से दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो बस इतना ही आपसे कहना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय महाकाल।